नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं, ये हमारे चने का पानी, जो देसी चना आता है ना काले वाले, वो हैं। और इनका जो पानी होता है हमारे पौधों के लिए, क्या क्या लाभकारी होते हैं, इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अपराजिता के प्लांट के लिए कितना गुणकारी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। दोस्तों अभी मई का मंथ चल रहा है, और इसमें हमारे जितने भी अपराजिता है बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। कलियां भी ढेरों सारी आ रही हैं, और मेरे पास दो वैरायटी के अपराजिता है, एक मल्टीपल पेटल के, एक सिंगल पेटल के। तो आप देख सकते हैं फ्लावरिंग भर भर के हो रही है। इस तरीके से रोज़ होती है, ऐसा नहीं है कभी कभार ही होती है। तो गर्मी के टाइम में ये सारे बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं। पर दोस्तों जब ब्लूमिंग ख़त्म हो जाती है, एक बार ब्लूम होने के बाद में फिर से इनको हमसे दोबारा फ्लावरिंग लेना पड़ता है। तो दोबारा फ्लावरिंग आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उन्हें बीच में हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी होती है अपने प्लांट के ऊपर, ताकि वो अच्छे से आगे भी ब्लूम कर सकें और घने बन सके। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि हमारे इस तरीके के फूल आते हैं, खिल के मुरझा जाते हैं, तो क्या होता है उनमें अगर हम वो स्पैंड हुए फूल को नहीं हटाते हैं तो वो सीड बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूँ, देखिए इस तरीके के इसमें देखिए सीड बन रहे हैं, इधर भी सीड ढेरों सारे बनना शुरू हो गए हैं। तो ये क्या होता है कि जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, जितनी भी एनर्जी होती है ना, ये सीड जो बनते हैं ये सारे ले लेते हैं। तो इन्हें हमें रिमूव कर देना है, ताकि सीड ना बने। क्योंकि अगर सीड बनने लगते हैं तो इनकी जो ग्रोथ होती है फ्लावरिंग आने की, वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। वो जितने भी कलियां आती हैं उनमें सीड की वजह से कलियां रुक जाती हैं आना। तो ये चीज़ हमें दोस्तों कर लेनी चाहिए बिल्कुल। और पीली पत्तियों को भी हटा देना, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो इस तरीके से पत्तियाँ थोड़ी सी सूख भी जा रही हैं। तो क्योंकि ओल्ड होती है ना, तो उन्हें हटा देना चाहिए। इनको हम सीड पॉट को भी दोस्तों हटा देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें अभी बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विंटर के टाइम पे दोस्तों बहुत ज़्यादा सीड मैंने बना लिए थे, तो अभी तो हमें फ़िलहाल चाहिए इनसे फूल। तो इस तरीके के सीड पॉट जो दोस्तों बनते हैं उनको आप ज़रूर रिमूव करें, नहीं तो आपका अपराजिता प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एक दो अगर आपको सीड इनके चाहिए तो एक दो फलियाँ रख सकते हैं, बट इस तरीके की फली आप बिल्कुल भी ना अपने अपराजिता में रहने दें। फूल तो फिलहाल खिलते हैं, इनके फूल देख सकते हैं कितने खूबसूरत से आ रहे हैं। तो बिना देरी के आप जो फली हटा दीजिए, और सूखे हुए फूल भी हटा दीजिए, ताकि इनमें बीज ना बने। तो ये काम अभी तुरंत कर लीजिए। और दोस्तों आती बात इन्हें घना करने की, तो मेरा प्लांट देख सकते हैं इतना बड़ा है, देख सकते हो। मैं इनको प्रून करती रहती हूँ ताकि ये दोस्तों घना होता जाए। तो जैसे इस तरीके से हमारे स्टेम्स निकल रही हैं, देख सकते लताएं आ रही हैं, तो ये बहुत सॉफ्ट होते। अगर नेल्स हम इस तरीके से कट करेंगे तो निकल जाएंगे, और फिर ये घनी होती जाएंगी, तो सुंदर भी लगेगा देखने में। क्योंकि बेल होती है दोस्तों आप लोगों को पता ही है, तो ये जितना ही बढ़ेंगे उतनी अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो इनको हमें फैलनी नहीं है, इनको घना करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि हम इनको दोस्तों किसी का सपोर्ट दे सकें कि ये ऊपर चढ़ जाएँ। मैं फिलहाल ऐसे ही इनको घना करती रहूँगी, और जितनी अच्छे से इनको प्रून या घना करोगे उतनी अच्छे से ये ग्रोथ भी करती हैं। अब दोस्तों बात करनी है इनके पानी की, जैसे कि हैवी ब्लूमिंग प्लांट है दोस्तों, तो इनको पानी ना समय समय से देते ही रहना चाहिए। मैं तो अभी दोनों टाइम पानी दे रही हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं शावरिंग भी करा देती हूँ। शावरिंग पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो शावरिंग भी ज़रूर कराएँ। के प्लांट डिहाइड्रेट होते हैं, चाहे जितना पानी दे रहे थे पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो सावरिंग कराने से क्या होता है कि हमारे पौधे हरे भरे थोड़े से फ्रेश होने लगते हैं। तो एक टाइम ज़रूर सावरिंग कराएं, इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गर्मी के टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, पानी भी बहुत ज़रूरी होता है देना इनका, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम पर अगर इनको पानी हम नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है कि पौधे मुरझाने लगते हैं। तो पानी भी ज़रूरी है देते रहना है, प्लस यहाँ पे हमें दोस्तों गुड़ाई करना है अपने पौधे की टाइम टाइम से। तो मैं तो हमेशा ही करती रहती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि अपराजिता की गुड़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, बट कर देनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे पौधों की, तो अच्छे से इनको कोई भी पानी वगैरह देते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं, तो फिर वो इनको सही से नहीं मिलता है, ऊपर ही रहकर ये धूप में सूख जाती हैं। तो जब भी आपको फर्टिलाइजर वगैरह देते हो तो गुड़ाई ज़रूर करके दीजिएगा। तो
तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं क्या देने वाली हूँ दोस्तों। आज मैं देसी चने का पानी देने वाली हूँ। अच्छे से दोस्तों गुड़ाई कर ली है और अब देना है हमें फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र मैंने बताया था कि देसी चने तो रात भर दोस्तों मैंने भिगो के रखा हुआ था और उसका जब पानी छान कर इस तरीके से निकाल के लाते हैं तो कुछ इस तरीके से कलर डार्क कलर हो जाता है, जो कि मैं आपको बता दूं मैं इसमें दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि पौधों की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। साथ में इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और कहते कैल्शियम भी होता है, आयरन जो कि पौधों के मजबूती के लिए जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सही है। क्योंकि हम क्या कहते कुछ भी फर्टिलाइज़र हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं वो सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, तो आप इन्हें दे सकते हैं। तो मैं ऐसे नहीं थोड़ा सा पानी में डिल्यूट करके दूंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेशियो है, ये कम से कम दोस्तों 300 ml है, तो इसमें 1 लीटर पानी में मिला के मैं पूरा दूंगी। तो अब रास्ता प्लांट के लिए नहीं, ये सारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप भी जब भी चना वगैरह सोक करते हैं भिगोते हैं तो उनको इस तरीके से पानी निकाल के आप पौधों को दे सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन ये पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मैं पहले इनको डिल्यूट कर लूँ, उसके बाद में हम इनको देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें ये अपना फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी जो कि 200 ml हो, उसमें से आधा ही मैं 100 ml डालूंगी 1 लीटर पानी में। और फिर डायरेक्ट आप इसको पानी अपना जो बनाया हुआ है अपने प्रास्ता को दे सकते हैं। और ये चीज़ें आपको 15 दिन में रिपीट करनी है, और क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इनका रेशो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। बट यहाँ पे गमला जो हमारा दोस्तों 12 इंच का है तो 1 लीटर तो काफ़ी है। तो और जब भी आप फर्टिलाइज़र दोस्तों दें तो इवनिंग के ही टाइम पे दें, और बाकी बचा हुआ मैं अपने दूसरे प्रास्ता में डालूँगी क्योंकि मल्टीपल पेटल वाले हैं। चलिए उसमें भी मैं डाल देती हूँ। तो ये दोस्तों मेरा मल्टीपल पेटल वाला है जो कि मेरे पास से 3 साल से अभी भी खिल रहा है, और इनको मैंने प्रून करके रखा हुआ था। देखिए बहुत ही ज़्यादा है, अभी हेल्दी हो रहा है, इनकी फ्लावरिंग देखिए इस तरीके से हो रही है, देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे ये वाले। और देखिए फूल सूख भी जा रहे हैं इस तरीके से, स्पेंड खिले हुए, तो इनको हटा देना है। मैंने हर वीडियो में बताया कि सूखे फूल जरूर हटा दें ताकि इनकी और भी अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अपराजिता प्लांट को हम चने का पानी किस तरीके से दें और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये भी बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं इस तरीके की वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।